हरियाणा में पंचायत चुनाव और जिला परिषद के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं। बीजेपी भी पंचायत चुनाव और जिला परिषद चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटी है। तो वहीं अमेजॉन प्राइम से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने खास बातचीत की और कहा कि बीजेपी पार्टी की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के लगातार इंतजार बना हुआ है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग की तरफ से जो रिपोर्ट है उसको सरकार को दे दिया गया है। कैबिनेट में भी इस रिपोर्ट को पारित कर दिया गया है। अध्यादेश बनने को लेकर के एक प्रक्रिया इसको लेकर के अभी बाकी है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि BCA को जो आरक्षण देना है 8% का पंचायतों के अंदर, उसका रास्ता साफ हो जाएगा। किस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार की गई है और कब तक चुनाव आयोग को ये रिपोर्ट भेज दी जाएगी, हमारे साथ सहकारिता एवं अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग मंत्री बनवारी लाल जी हैं, उनसे जानेंगे। सर, रिपोर्ट पहले तो तैयार की गई एक निश्चित समय के अंदर, रिकॉर्ड समय के अंदर, किस तरीके से रिपोर्ट को तैयार किया गया है और कब तक पंचायत चुनाव को लेकर के जो इस रिपोर्ट की वजह से रास्ता अभी रुका हुआ है, कब तक वो रास्ता साफ हो जाए? देखो, जिस तरह से सरकार ने एक घोषणा की थी कि भाई हम BCA को पंचायतों के अंदर रिजर्वेशन देंगे, तो उसी प्रक्रिया के तहत चुनाव के तहत जो घोषणा की थी और कोर्ट के अंदर उसकी स्टे लग गया था कि इसका कोई आपके पास डाटा नहीं है, तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक BCA आयोग की जो गठन किया और आयोग को ये जिम्मेवारी दी कि वो अपने इसकी सर्वे करे और इसका डाटा तैयार करे। सर, BCA को खासतौर से इस आरक्षण का फायदा मिलने जा रहा है, 71 जातियां इसके अंदर आती हैं, मुख्यमंत्री जी ने प्रेस वार्ता के जरिए ये बात भी बताई थी। किस क्षेत्र के अंदर जो है इसकी संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत कम है, कुछ आंकड़े अगर आप बता पाए इसको लेकर के, जो क्योंकि रिपोर्ट अभी सबमिट की गई। देखो, इसका जो भी 2% कम से कम जहाँ है उसमें एक पंच का पद जरूर होना चाहिए, और जो जिन पंचायतों के अंदर BCA की पॉपुलेशन ज़्यादा है उन पंचायतों का सिलेक्शन किया जाएगा और उससे 3 गुना ज़्यादा लेकर के और उनको रोटेशन के हिसाब से उनमें रिजर्वेशन की जाएगी। ये माने सर, जो पंचायत विभाग की तरफ से बात कही गई थी कि 30 सितंबर से पहले चुनाव करा दिया जाएंगे, क्या ये संभव हो पाएगा इस पूरी प्रक्रिया के साथ? देखो, लगभग 30 तारीख के आसपास चुनाव हो जाएगा, इतने दिन में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल हमारे साथ थे। सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो BCA को लेकर के जो रिपोर्ट थी वो सबमिट कर दी गई है, अध्यादेश अभी बन जाएगा, उसकी रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल के समक्ष भेज दी गई है और ये उम्मीद भी उनकी तरफ से जताई गई है कि 30 सितंबर की जो डेडलाइन पंचायत चुनाव को लेकर के रखी गई है तब तक इसकी घोषणा और चुनाव हो जाएंगे। पंचकुला से कैमरामैन सोनू के साथ जितेंद्र चौधरी, MH1 न्यूज़।